हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं अभी अभी उठा हूँ और मेरी अभी सही से आंखें भी नहीं खुली हैं। आज जुमा था और पहले काफ़ी लेट हो चुका हूँ। अब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और नहा के फिर जुमा पढ़ने जाते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। आज नाश्ते में क्या क्या है? पराठा है, चाय है, भिंडियाँ हैं, कल वाली भिंडियाँ लग रही हैं मुझे। सब ये खाते हैं और फिर चलते हैं जुमा पढ़ने। नमाज पढ़ के मैं फ्री हूँ। अभी जाना मस्जिद था, लेकिन मस्जिद जो करीब वाली थी इधर जुमा हो चुका था, और थोड़ी जो दूर थी वहाँ मैं जा नहीं सकता था बिकॉज ऑफ के मेरे पास कन्वेंस नहीं है। मैंने सोचा घर ही पढ़ ली जाए और घर नमाज पढ़ी, और पढ़ी भी हुरम का जो हम प्रेयर मैट लेके आए थे। अगर याद हो आप लोगों को, पिछले व्लॉग में हम हुरम के लिए प्रेयर मैट लेके आए थे, ये वो वाला है। तो मेरा दिल था कि मैं नमाज के बाद अक्सर असमुल हुस्ना पढ़ता हूँ, अल्लाह के 99 नेम्स। अगर आप लोगों को पसंद आएंगे तो मैं हर जुमा की नमाज के मैं आपको सुनाया करूँगा, आप भी सुना करें और याद करने की कोशिश करें। बहुत इजी है, आसान है अल्लाह के 99 नेम्स याद करना, तो और बहुत अच्छा लगता है बंदा जब पढ़ता भी है, सुकून मिलता है जब सुनता है, तब भी सुकून मिलता है। तो सुनिए, आमन हू अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ العلي الكبير الحفيظ المقيم الحق الوكيل القوي المتين البلي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم نافي النوم الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अल्लाह पाक के जो 99 नेम्स मैंने पढ़े हैं वो आपको लोगों को कैसे लगे। तो हर जुमे की नमाज के बाद मैं आप लोगों के लिए भी और अपने सुकून के लिए भी पढ़ दिया करूँगा। और अगर किसी के जहन में ये बात आ रही है कि ये मैंने कहाँ से याद किए या ये मुझे कैसे आते हैं, क्योंकि 99 नेम्स हैं ना, काफ़ी ज़्यादा नेम्स हैं, तो याद करना थोड़ा आई थिंक लोगों के लिए मुश्किल होता होगा। तो मैं शोबाइज में पढ़ता रहा हूँ, दार अरकम बिलाल कैंपस सरगोधा में। शोबाइज में गया तो इसलिए था कि हिफ्ज़ करूँ, बट किसी न किसी रीज़न की वजह से नहीं कर पाया। तो लेकिन आधा कर चुका था, आधा रह गया, और वहीं पर मैंने ये फिर 99 नेम्स अलग याद किए और अभी भी याद हैं। तो ये आप लोग भी याद कर लें, सुकून मिलता है इससे। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप में से किस किस को अल्लाह पाक के नेम्स आते हैं, लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया, कुछ खास करने को था नहीं, वही जुम्मा पढ़ा और वही सब कुछ। और जुम्मा पढ़ने के बाद फिर सो गया था, उठा हूँ तो कुछ खास किया नहीं, और अब जा रहा हूँ दोस्त की तरफ। एक दोस्त ने हम सब की दावत की हुई थी, अब वहाँ जाएंगे, आगे मज़ीद आपको वहाँ के सीन्स दिखाएंगे, खाना दिखाएंगे। तो अभी वहाँ जाता हूँ और दोस्तों के सारे सीन्स दिखाता हूँ और मिलवाता हूँ आपको दोस्तों से। चुप कर रहे कुत्ते। मोटा फुलिया बीमारी की जड़ होंगी है, और कैस्ट्रोल बदना लावा मार्केट जी नहीं होता। एक दिन वॉक करेगा दूसरे दिन हंस जाता है, मतलब तुम की साइड इफेक्ट होता है, पांच दिन टैग होता है। तो ये रहा खाना और ये खाने के सीन्स थे। माशाल्लाह खाना बहुत मज़े का था। तो फाइनली खाना छाना खाने के बाद अब चाय का प्लान है, अब जाएंगे हम चाय के ढाबे पे चाय पीने। और खाना छाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर था, आज का पूरा दिन बस जैसे तैसे करके गुजर ही गया, और इंशाल्लाह कल का फिर कल देखेंगे।
मेरे आगे लुकमान भाई, अभी दो दिन हो गया व्लॉगिंग शुरू की है, दो दिन से व्लॉग अपलोड कर रहे हैं। आप लोगों ने लाजमी देखना है और लाजमी सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं इनका लिंक दे दूंगा, और जैसे सपोर्ट कर रहे हो वैसे ही करते रहो। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से हो गया। खैरियत करता हूँ कि आप लोग उम्मीद से हो गए। सही है, तो लिंक भी ये डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। तो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो पर लाइक करना है, कमेंट करना है और सपोर्ट करना है। जम के दोनों भाई इंशाल्लाह शोडे लगा देंगे हर चीज़ के। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा मेरी वीडियोज़ में भाई को। हाँ, अब हम आपको मिलते हैं चाय के ढाबे पे। एक बात तो फैक्ट है, ढाबे की चाय जितने मज़े की होती है उतने मज़े की चाय और कहीं नहीं मिलती। रात के 3 बज रहे हैं ऑलमोस्ट और हम जाग रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो बच्चा है ना, इसने तंग किया हुआ है। इसकी तबीयत हो गई थी अचानक ख़राब और इसे हमने भी मेडिसिन दी है, तो थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा है। माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है औलाद को पालना, और हम जैसे फिर बड़े होकर माँ बाप को कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तो आपने कौन से हमारे पे एहसानात किए हैं। बड़ा मुश्किल होता है औलाद को पालना। अल्लाह करे कि मेरी और जो लोग देख रहे हैं उनकी औलादें जो इतनी इतनी छोटी छोटी हैं, अल्लाह करे कि वो उनके लिए फरमा बरदार हों, उनका ख्याल रखें, उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बने। जैसे हम अपने बच्चों का इस टाइम ख्याल कर रहे हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो अपने बच्चों का ख्याल करते होंगे। तो व्लॉग वैसे तो ख़त्म हो गया था, सोचा कि एक और क्लिप बनाऊं, सोचा नहीं था, बस ऐसे ही अचानक रात को उठना पड़ गया जस्ट बिकॉज ऑफ हकान। इसे 102 टेम्परेचर है इस टाइम, तो बस इसका ख्याल कर रहा था, सोचा साथ एक क्लिप बना दूँ। अभी बेहतर है, थोड़ा सा मेडिसिन दी है इसे। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ये साथ देते रहें, और उम्मीद है कि जल्द अज़ जल्द 5K सब्सक्राइबर का टारगेट है फ़िलहाल के लिए। अभी तो 1 point something, मतलब 1100-1200 सब्सक्राइबर हुए हैं। 5K का टारगेट है कि 5K जल्दी से जल्दी हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग देखने आता है, व्यूज़ तो ज़्यादा आते हैं, सब्सक्राइबर कम आते हैं, तो उम्मीद है कि जो लोग देखते हैं वो सब्सक्राइब करके जाएं। ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब लाजमी करना, बेल आइकन को भी दबा देना और शेयर भी कर देना। अल्लाह हाफिज़।